हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मेगा टेक वर्स। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि मल्टीपल सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आप एक ही पेन ड्राइव में कैसे बूट कर सकते हैं सिंपल कॉपी पेस्ट करके। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैंने ये सारे जो है ISO फाइल जो है अपने जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के रख रखे हैं, जिसमें विंडो 10, उबंटू वगैरह सब हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करना है, गूगल खोल लेना है। अब विंटोय डाउनलोड जो है वो कर लेना है। अब यहाँ से चलते हैं इसकी ऑफिशियल साइट पे, बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, यहाँ पे दिनों टाइप के हैं, तो हमें क्या करना है कि जिप फाइल हम डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, ये रहा, तो इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं पहले तो। ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं ये एक्सट्रैक्ट, ज़्यादा नहीं, 5-7 सेकेंड लेगा ये, बाकी प्रोसेस पे डिपेंड करता है आपके प्रोसेसर पे। ठीक है, चलते हैं इसके अंदर। सबसे पहले आपको एक पेन ड्राइव ले लेनी है जो 16 GB या 32 GB जो भी है, जितनी भी पेन आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालने हैं उसके अंदर, उस हिसाब से आपको पेन ड्राइव लेना है। ये देखिए, मैंने पेन ड्राइव लगा लिया है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, मैंने ले लिया 16 GB का पेन ड्राइव जिसमें 14 GB लगभग स्पेस होता है। ठीक है, अब यहाँ से इसको इसके चलते सॉफ्टवेयर के जो एक्सट्रैक्ट किया था हमने, वहाँ चलते हैं हम रॉयल फाइल को। अब यहाँ से हम सॉफ्टवेयर रन कर लेते हैं विंटोय 2 डिस्क। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, सिंपली से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना है। यहाँ पे देखिए, ये आपको ये स्क्रीन दिखाएगा, रन कर लेते हैं। अब यहाँ से रन पे आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आपका जितने भी पेन ड्राइव कनेक्टेड होंगे या फिर जो भी डिवाइस कनेक्टेड होगा वो शो कर रहा होगा, तो आप पेन ड्राइव केयरफुली चूज़ कर लेना। अगर 2-3 और भी डिवाइसेस हार्ड ड्राइव अटैच्ड है तो सिंपली जो है 16 GB लिखा हुआ है तो शिवा का, ठीक है, वो चूज़ कर लेना है आपको। अब यहाँ से क्या करना है, इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये वो दिखा रहा है, फॉर्मेट हो जाएगा आपका पेन ड्राइव, तो ये वार्निंग दे रहा था, तो यहाँ से वार्निंग को इस साइड रखते हैं और यहाँ से इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देते हैं। ये लेगा थोड़ा टाइम, ठीक है, वही जो भी 2-3 मिनट जो भी होता है वो टाइम लेगा। यहाँ से हमारा हो चुका है। ठीक है, यहाँ से देखिए, ये कॉन्ग्रेचुलेशंस का स्क्रीन। ठीक है, ओके करने के बाद कट कर देते हैं। अब चलना ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो फोल्डर हमने रख रखा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉपी करने के पहले एक बात बता दूँ। ठीक है, जो भी आपको ISO फाइल जो है चूज़ कर लेनी है, सबसे पहले बात तो इसमें आपको स्पेस के हिसाब से चूज़ करना है, जितना स्पेस है आपके पेन ड्राइव में उसी हिसाब से चूज़ करना पड़ेगा आपको, ना ज़्यादा चूज़ मत करना। और यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपको विंटोय के फोल्डर में जाके पेस्ट कर देता है सिंपली। यहाँ देखिए, ये थोड़ा सा टाइम लेगा पेस्ट होने में, आपको पता ही है पेन ड्राइव में टाइम लेता है, तो मैंने वीडियो को स्पीड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे फटाफट मैं कॉपी कर लेता हूँ, मतलब वीडियो को आगे बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए हो रहा है, जब तक आप जाके नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा देना। ठीक है, बाकी कोई भी इशू आए तो आप कमेंट कर दिया करो, मैं हमेशा जवाब दे देता हूँ। ये देखिए, ये पेस्ट हो गया। और एक सिंपल सी बात याद रखनी है, इसके अंदर बीच में कोई भी किसी के भी नाम के अंदर बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे विंडो 11 लिखा हुआ है, स्पेस डाल के उसका स्पेस हटा देना। ठीक है, कोई भी नाम हो ऊपर से नीचे तक चेक कर लेना, किसी भी नाम में स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ चुका है, अब इसे रीस्टार्ट कर लेना है। यहाँ से कर लेते हैं रीस्टार्ट। अब ये देखिए, मेरा थोड़ा मोबाइल के कैमरे पे आ गया हूँ मैं, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। यहाँ पे आ चुका है हमारा, रीस्टार्टिंग ले रहा है। अब यहाँ से बायोस में जाके आपको जो है चेंज कर लेना है आपका बूट टू पेन ड्राइव, पेन ड्राइव के बूटेबल में लगा देना है। या देखिए, बूट ऑप्शन पे जाके, अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि विंडो बूट मैनेजर, UEFI हार्डवेयर और जो शिवा का शो कर रहा है, तो शिवा को सबसे ऊपर कर लेना है। ठीक है, एरो का बटन दबा के, बाकी हर किसी में अपना अपना बूट का वो ऑप्शन होता है। बाकी मैंने अपने ब्लॉग पे megatechverse.blogspot.in पे जो है डाल रखा है इसके लिए भी पोस्ट, तो वहाँ से कॉपी देख लेना, कर लेना। ठीक है, अप्लाई करते हैं, यहाँ से ओके करते हैं। हर किसी का बूट की अलग अलग होता है, किसी में F12, किसी में F2, तो सबका अलग अलग है।
तो मैंने ब्लॉक पे डाल दिया है, बाकी वहाँ से चेक कर लेना एक बार। ये देखिए रीस्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है रीस्टार्ट होने में। ये डेल स्टार्ट हो गया हमारा। अब यहाँ से क्या करना है ये देखिए, चारों ऑपरेटिंग सिस्टम शो कर रहे हैं, कितने कितने जीबी का है सब शो कर रहा है। अब यहाँ से जो है जो भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना है यूज़ करना है उस पर क्लिक कर दीजिए। उबंतु पे क्लिक करता हूँ मैं, उबंतु रन करके दिखाता हूँ क्योंकि ये डायरेक्ट रन हो जाता है। बाकी विंडो वगैरह रन करूँगा तो उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके शो करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। बाकी आपकी प्रोसेसर वगैरह पे स्पीड पे डिपेंड करता है, रैम कितनी है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, अब ट्राई कर लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए ये हमारा चालू हो चुका है, कोई इशू नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब रनिंग बेटर हो रहा है इसमें, ठीक है। तो दोस्तों ये लास्ट, ठीक है, यहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और सारे लिंक डाउनलोड नीचे, उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए।